फिर से आ रही हैं अपने फैंस का मन मोह लेने के लिए। सबसे पहले मोहिनी, क्या है ये किरदार, थोड़ा बताइए। सो कैरेक्टर का नाम जो मैं प्ले करने जा रही हूँ, इसका नाम है मोहिनी। मैं हूँ मोहिनी, मैं मोहिनी। सो इसका ये वो पंच लाइन रहती है कि जब भी वो अपनी अदाओं में आती है, शी ऑलवेज इज मैं मोहिनी। सो इसका जो सुपर पावर है सबसे बड़ी अगेन से, या जो उसका एक USP है, वो ये है कि वो हर किसी का मन मोह लेती है, वशीकरण करती है सबका। एंड शी इज़ वेरी गॉर्जियस, तो हर कोई उसको देखते ही थोड़ा सा ना ऑस्टक हो जाता है कि ओ माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल। तो उस सुपर पावर को ये बहुत यूज़ करती है अपनी। शी इज़ अ विच ऑफकोर्स, तो उसकी जो लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मोहिनी की, वो ये है, मेरी जो प्रायोरिटी वो ये है कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए जवान रहना है और दुनिया की सबसे, इस यूनिवर्स की सबसे बेहद हसीन खूबसूरत लड़की बनना है। और उसी के पीछे बस ये शो में उस नागिन के और नाग के पीछे पड़ी है कि वो नागमणि बस इसे मिल जाए और ये हमेशा हमेशा के लिए जवान रहे। वो तो मैं हूँ एक्चुअली अभी। पहले तो बहुत खूबसूरत लुक लग रहा है, तो आपको सबसे पहले आप थोड़ा डिस्क्राइब करें अपने लुक के बारे में। मेरा लुक, हमने इस लुक के लिए बहुत जद्दोजहद की है एक्चुअली। हम मेरे इस लुक को डिसाइड करने के लिए 4 लुक टेस्ट हो चुके थे, लेकिन हम कभी सारी ट्राई कर रहे थे, कभी कुछ, बिकॉज ऑफकोर्स एक लुक टेस्ट होता है हम एक्टर्स का, तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं कि सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, ऐसी डायन दिखेगी, ऐसे कलर में डायन दिखेगी, एंड देन वी एंड अप बीइंग दिस थिंग के डायन को अगर हम इमेजिन करते हैं तो काले कपड़े तो मस्ट है, तो रंग आया काले कपड़ों का उस चीज़ को सोच के। बट क्योंकि इतनी मैं में रहती है मोहिनी, तो उसके नाते भी कुछ चीज़ें देखनी है कि जो सबसे हटके, अगर हम सारी इंडस्ट्री की बात करें और आज तक जितनी डायने आई हैं, तो उससे थोड़ा सा कैसे अलग किया जाए। तो देन वी एक्सपेरिमेंटेड विद दिस अफगानी ज्वेलरी लुक, जो अगर आप मेरा ये मांग टीका भी देखेंगे, सो दिस इज़ वेरी अफगान लुक। तो हमने वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की, मेरी चोटी, बिकॉज डायन की पहचान उसकी चोटी, उसके बाल होते हैं, तो हमने अपनी चोटी को भी एक्सेसराइज बहुत अच्छे तरीके से किया है। कमर बंद, मेरी हर एक चीज़, इट्स लाइक, एंड आई एम पर्सनली वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई कैरेक्टर्स, जो भी मैं प्ले करती हूँ, कि मैं उनको कैसे और निखार सकती हूँ, उसमें क्या एड ऑन कर सकती हूँ ज्वेलरी को लेके, कपड़ों के लेके। तो ये हाँ, कहीं ना कहीं मेरी ही सारी खोज थी कि मैं ऐसा पहनती हूँ, ऐसा पहनती हूँ, तो मैंने खुद तैयार करके, एंड फाइनली द चैनल लव्ड इट, फाइनली द प्रोड्यूसर्स लव्ड इट, एंड दिस इज मी, मैं मोहिनी। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट आपको ये जानना चाहिए बेस्ट पार्ट आपका पूरा लुक में, आपको कौन सा पसंद आ रहा है, आई मीन दिया मांगने का या हाथ का। Everything. There is nothing that I can say कि यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे मोहिनी की एक एक चीज़ पसंद है। Okay. इससे पहले भी आपने अलग अलग किरदार दिखाए, मतलब ऐसे ही कुछ है ना, बट ये कितना अलग हुआ, और डायलॉग डिलीवरी, यू नो आपने बोला ना कि कुछ अलग होने वाला, अलग हो क्या हो रहा है, हमें एक चीज़ दिख रही है, आपकी आंखें रेड रेड दिख रही है। हाँ, तो बिकॉज डायन है तो आंखें लाल रहेंगी उसकी, वो थोड़ा ड्रामेटिक बनाना पड़ता है, तो इसलिए मेरी आंखें लाल हैं, बहुत लाल हैं, और सिर्फ लाल रंग का टच सिर्फ यही है मेरे नाखून, जो कि ज़रूरी है डायन के लिए। नाखून भी आजकल निकलते हैं मेरे, एकदम से जब भी मैं गुस्से में आती हूँ तो ऐसे वॉल्वरिन की तरह मेरे नाखून बाहर आ जाते हैं सीधे, तो जहरीले नाखून है बेसिकली, ये सांपों का जहर पीती है। तो ये बड़ी खतरनाक डायन है। बात की जाए कि मेरे कैरेक्टर दूसरे, ये कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कैसे डिफर करता है, वो ऐसे कि वो वाले कैरेक्टर्स जो भी मैंने किए, फॉर एग्जांपल मैं बालवीर की ही बात करूँ, रीसेंट जो कैरेक्टर था, शी वॉज अ पावर हंग्री इविल क्वीन हु यूज़ टू रूल काल्लोक। वो डायन नहीं थी, वो विच नहीं थी, वो एक रानी थी, एक काली रानी थी जो काली दुनिया को चलाती थी। शी इज़ अ प्रॉपर विच, जो हम माइथोज में, जो हम फोकलोर में एक डायन की बात करते हैं ना, कि गांव में भी आज भी जब मैं अपने गांव कहीं जाती हूँ तो मेरे दादा परदादा तो वो कहानी सुनाते हैं कि हमने डायन देखी है, एक चुड़ैल रोड पे जा रही थी रात को सुनसान, उसके पैर उल्टे थे। तो ये वो किरदार है जो कि बहुत नया किरदार है मेरे लिए निभाना, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसमें ना डिफरेंट शेड्स आते हैं, क्योंकि मोहिनी के 2 रोल रहेंगे, एक के वो डायन है, और दूसरा कि जब वो उस नागमणि को लेने के लिए हीरो के बाप से शादी करके उस घर में घुसती है, क्योंकि नाग है हीरो,
तो उस घर में कैसे घुसे, तो उसके बाप से शादी करके अंदर चली जाती है, एंड देन वो जो उसका दूसरा रूप है साड़ी में एंड दैट हॉट लुकिंग साड़ी एंड ओपन हेयर दिस बिग प्रॉपर चुड़ैल वाला टच, सो शी लुक्स वेरी सिडक्टिव, शी लुक्स वेरी चार्मिंग एंड वेरी गॉर्जियस. तो वो दो शेड्स आते हैं, वहाँ पे वो थोड़ी सी बिची वैसे वाली रहती है, यहाँ पे थोड़ी सी कठोर और थोड़ी सी विकेड होती है. सो ये दो शेड्स हैं जो कि मुझे पता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस को ये किरदार बहुत पसंद आए. जैसा आपने कहा बहुत ही खूबसूरत ये लुक है, तो सबसे पहले क्या रिएक्शन था सर का जब उन्होंने आपको देखा? सर का रिएक्शन ये था, कुछ ज़्यादा ही हॉट नहीं लग रही हो तुम? मैंने हाथ ना ऐसे जोड़े फैंस का नाम लेती कि जिस तरीके से आज तक आपने मेरे हर किरदार को सराहा है, आपने जिस तरह मेरे हर किरदार को इतना प्यार दिया, मुझे दिया है पर्सनली, कि आप पवित्रा पूनिया को जान गए, ना कि मेरे किरदार के नाम से ही सिर्फ मुझे जानते हैं, बस ऐसे ही इस कैरेक्टर में भी मुझे प्यार देते रहिए. जस्ट लव मी एज मच एज यू कैन, द वे यू डू, मोर देन दैट आई एम लव हंग्री, प्लीज़ गिव मी लव, मुझे प्यार चाहिए आपसे और खूब सारा देना. थैंक यू.